हेलो गाइस, अभी मैं कुवैत में हूँ। आपको यहाँ का मैं टाइम दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये 3:41 हो रहा है और अपने इंडिया का ये 6:11 हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। और दोस्तों, अभी हम क्वारंटाइन है क्योंकि अभी हम 4-5 दिन ही हुए हैं यहाँ पे आए, तो और 4-5 दिन और क्वारंटाइन रहना है हमें। तो हमें खुद से खाना वाना बनाना पड़ रहा है, तो अभी हम लोग दिखाएंगे आपको कि आज हम लोगों ने क्या बनाया है स्पेशल। आज थोड़ा मन कर रहा था कि अपने इंडियन वैरायटी का कुछ बना दे, तो हम आलू का पराठा बनाने वाले हैं। ये सौरभ भाई है मेरे साथ। हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे पराठा और सौरभ भाई पूरा हेल्प करेंगे और वही मेहनत करेंगे। मैं तो पूरा टाइम वीडियो बनाऊंगा। देखिए, आटा गूंद भी लिया है मैंने और कुछ देर बाद पराठा तैयार हो जाएगा। तो गाइस, ये आलू कट चुका है और इसको अब हम ये बॉयल करने वाले हैं। आज हम बनाएंगे आलू का पराठा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं आलू के पराठा बनाने के लिए। पहले हम आलू को बॉईल कर लेते हैं। एक्चुअली इस केटली में जल्दी बॉईल हो जाता है, इसलिए हमने इसमें आलू डाला है। ये हमने रख दिया बॉईल करने के लिए। थोड़ा सा नमक डालना पड़ेगा। हाँ, नमक डालो। ये देखिए, पानी डाल दिया, आलू डाल दिया। अभी आटा है, इसमें हम गूंथने वाले हैं इसको। ये देखिए, ये अरे बहुत है, कितना डालोगे? 2 ही लोग हैं अपन। ये देखिए बाहर का नज़ारा दोस्तों, वो देखिए बिल्डिंग में आपको दिखा दूँ थोड़ा। ये देखिए, आप बिल्डिंग की तरफ देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये अभी सौरभ भाई इसमें थोड़ा नमक ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखिए सौरभ भाई ने रेडी कर दिया। ज़्यादा पराठा तो नहीं बन पा रहा क्योंकि अभी 4 ही बनाएंगे हम और अभी डिनर भी करेंगे कुछ समय बाद। तो ये देखिए आप लोग, ये देखिए दोस्तों, कल हम ये भी ख़रीद के लाए। ये देखिए, अच्छा है लेकिन इंडियन करेंसी के हिसाब से तो थोड़ा महंगा ही पड़ा है। हम ये आपका 150 रुपये का मिल गया हमें, ये आप देख सकते हैं। और अपने इंडिया में लेंगे तो थोड़ा तो सस्ता पड़ेगा ही, बट यहाँ पे हमें 150 का मिला है। बाकी आपको और धीरे धीरे दिखाते रहेंगे कि कैसा करके क्या यहाँ पे अवेलेबल है और क्या प्रोडक्ट है कि नहीं है। आपको सब चीज़ एक से एक दिखाएंगे हम, इंडियन प्राइस के हिसाब से भी दिखाएंगे। अगर आप लोग कुवैत आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा कि समझने में कितना खर्चा आता है क्या नहीं आता है। ये देखिए, आप लोगों ने कुछ इसमें रुपए रख रखा है, ये इस पर्पज़ के लिए कि सिर्फ हम किचन में कोई भी सामान लाते हैं तो इसमें से यूज़ कर सकते हैं हम। और जैसे कि ये गैस आता है आपका, मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, ये गैस यहाँ के 150 रुपये में आता है, यानी कि अपने इंडियन करेंसी की बात करूँ तो 350 से 350 रुपये के अराउंड है। तो ये भी हम इसी पैसे से लाते हैं अपना। और बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये हो गया, क्लीनिंग वाले को हम पैसे देते हैं, तो वो सब मिला के रूम का ये खर्चा चल जाता है हमारा। तो चलिए, अभी आज पराठे ही बनाने वाले। अभी देखिए, अनियन ये चॉप करेंगे अभी इसको अच्छे से। तो दोस्तों, हमारा आलू इसमें से हम निकाल दिए। देखिए, ये अच्छे से बॉयल हो चुका है हमारा आलू। इसको हम एक एक करके मैश करेंगे यहाँ पर और फिर इसका मिक्सचर बनाएंगे, एक बढ़िया सा मिक्सचर। सौरभ भाई के हाथ का टेस्ट आज हम देखेंगे कैसे क्या रहता है। तो गाइस, फाइनली ये देखिए, ये मिक्सचर भी इसका रेडी है। सौरभ भाई ने एक पराठा बेल भी दिया और बाकी ये 2 रखा है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे बनेगा ये पराठा हमारा, ये ऑयल के साथ, हयात ऑयल, हयात कुकिंग ऑयल। तो सौरभ भाई, ये तो थोड़ा गर्म हो ही गया लगभग। ओ भाई, सही है, अब बनेगा पराठा। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पराठा हमने रेडी कर दिया। देखिए आप पराठा, एक ये तवे पे ही अभी हमारा है और बाकी देखिए एक हमारा यहाँ पे रखा है और ये अंडा, इसमें हम थोड़ा फ्राई करेंगे। तो ये एग हो गया
तो गाइज आपको बता दूं कि हम कल बाहर पराठा खाने गए थे, तो पराठा तो इससे साइज़ थोड़ा बड़ा था, इससे आप देख सकती है थाली में रखा हो तो। लेकिन हम बाहर खाने गए थे तो इसका एक इतना बड़ा पराठा था एक थाली के हिसाब से, तो वो करीबन हमें 130 रुपए का पड़ा था। वो हम दो लोग खा के आए थे तो लगभग 250 रुपए का हमें पड़ गया था, 250 से थोड़ा ज़्यादा ही पड़ा था हमें। लेकिन आज हमने रूम पे ही बना दिया, आज हम यहीं पे खाएंगे। तो देखिए हमारा चार पराठा बन गया और अब हम बना रहे हैं ऑमलेट। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया ऑमलेट। ये मास्टर शेफ सौरभ फ्रॉम इंडिया, ये देखिए सभी इंडिया से ही है यार, अपने दोनों इंडिया से। हाँ लेकिन आप मास्टर शेफ हो ना। ये देखिए पराठा आपको दिखा दूँ, ये आपको चार पराठा हो गया, बहुत बड़ा बड़ा है, दो दो से पेट तो भर ही जाएगा। तो ये देखिए ये अंडा इस पलट दिया सौरभ भाई ने। और दोस्तों मैं पराठा आपको एक बार दिखा दूँ, अगर हम मतलब रेडीमेड अगर पराठा लाते हैं तो आपको किस प्राइस का पड़ जाता है कुवैत में। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पराठा रखा हुआ है, ये आप पराठा देख सकते हैं, इस तरीके वाला होगा। ये जो सादा पराठा होता है आप इसको खा सकते हैं, अच्छा रहता है। अब मैं आपको इसके प्राइस वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले तो ये 5 पीसेज है, और बाकी आज का प्राइस की बात करें तो ये 50 फिल्स का है। अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूँ तो ये 12 रुपए का 5 पीस मिल जाता है 12 रुपए का, तो उस हिसाब से तो काफ़ी सस्ता ही है। तो दोस्तों हमारा पराठा रेडी हो गया और इसके साथ ऑमलेट भी बनाया सौरभ भाई ने, और ये मिरिंडा रखा हुआ है हमारा, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, और यहाँ के अरबी में भी लिखा हुआ है मिरिंडा। और दोस्तों हमारे इंडिया में अगर ये 2 लीटर का अगर हम लेते हैं तो हमें 90 से 95 रुपीज़ में मिल जाता है, बट यहाँ पे हमने लिया तो ये 78 रुपीज़ का हमें पड़ा, 80 मान लीजिए आप, 80 तो वहाँ से सस्ता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो महंगा है, कुछ चीज़ें हैं सस्ता है, कुछ चीज़ें इंडिया के रेट का ही है। आपको सब चीज़ें हम बताते रहेंगे, जो भी जिस टाइम जो उस वीडियो में जो चीज़ आएगा वो सब आपको बताते रहेंगे। तो चलिए आज पराठे वाला वीडियो था, पराठा हम खा लेते हैं। और सौरभ भाई ने बहुत ही मेहनत किया, तो मैं सौरभ भाई को स्पेशली थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आज पराठा वो बना के मुझे खिला रहे। तो चलिए अब पराठा हम लोग खाते हैं। ये आपका पराठा, टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है। एक नंबर, गुड सौरभ भाई के लिए गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है। दोस्तों आप कभी बाहर जाओ तो अपने साथ ऐसे पार्टनर के साथ जाना जो खाना बहुत अच्छा बना लेता हो। सौरभ भाई के चक्कर में मैं यहाँ पे आया हूँ, सच बताऊँ, क्योंकि मुझे तो उतना खाना बनाना नहीं आता है, जो कुछ भी है सौरभ भाई बना के खिलाते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।